हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि जेरी के जब चोट लग जाती है या कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है तो जब मैं उसकी दवाई लगाती हूँ तो किस तरह से रिएक्ट करता है। तो जब आप ये वीडियो देखेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और काफ़ी इमोशनली वीडियो है कि उसे किस तरह से चोट लगी और किस तरह से उसने दवाई लगवाई। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये जेरी की चोट लग गई ना वो तो थोड़ा सा वैसा छील छिलसा गया, तो चाट चाट कर उसने अपनी चोट मार दी। उसके लिए बीटाडीन और उसकी एक मेडिसिन है वो मिला के लगाऊंगी और देख मैं कहाँ चला गया। चला जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, चुपचाप बैठो, आओ आओ बैठो, लो लो दवाई लगानी है ना, लो बैठो। लगाऊंगी लगाऊंगी, पहले यहाँ से लगाऊ ना। इसने ना चाट चाट के निशान बना लिए ऐसे। लो दूसरा पैर दो, लो इधर आओ इधर आओ, आ गया तो इधर आओ इधर आओ इधर, जल्दी से आओ। ये वाला इधर लो। ये देखो, ये इसने ना चाट चाट के निशान बना लिया, पूरे रात दिन चाटता रहता है। बस बस बस, इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं कुछ जाने में पकड़ रही हो उसको। ये देखो थोड़ी सी इसके लिए लगी ना दवाई लगा रही हूँ। ऐसे नहीं करते बेटू, चोट है ना तो फिर दवाई लगानी होती है, नहीं तो फिर निशान पड़ जाएंगे, फिर ज्यादा हो जाएगी। और चाटना नहीं है, दवाई को नहीं चाटते। ये देखो जगह जगह लगा दी। लाओ दी, इधर आओ इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ इधर आओ इधर 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 आओ इधर आओ। जेरी आपको पेरिस में डाल दे, नहीं इसमें डालो। देख अरे छोड़ो ना, जेरी जेरी नहीं आओ, मैं फिर पट्टी बांधूंगी। वहां कहां रहे हो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। बैठ चलो, बस चाटना नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो दवाई है ना, ये बस ठीक हो जाएगा जल्दी जल्दी, छोटे 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 हो जाते हैं इसके। ये हमने दवाई ला रखी है इसके लिए, ये इसमें बीटाडीन है और एक डॉक्टर ने क्रीम दी थी वो मिला के मैं लगाती हूँ इसके, जिससे इसकी चोट में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। हालांकि डॉक्टर मना करा है चाटने के लिए, अभी बैठ जाओ थोड़ी देर सोएगा। जेरी बैठ जाओ, नो दवाई नहीं चाटते, बैठ जाओ रेस्ट करो, सो जाओ वहाँ पे जाके, सो जाओ नहीं नहीं कर। तो देखा दोस्तों आपने कि जेरी ने किस तरह से दवाई लगवाई और किस तरह से वो भाग रहा था इधर उधर गया, फिर मैंने उसकी दवाई लगाई तो उसने कितने आराम से प्यार से दवाई लगवाई। हालांकि थोड़ा थोड़ा डर रहा था वो, लेकिन उसने दवाई आराम से लगवा ली और उसके बाद वो रेस्ट करने यानी कि सोने चला गया था। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था जेरी को। जेरी की क्या था कि वो जैसे कुछ खाता पीता है, कुछ लग जाता है उसके पैरों पर या उसके पंजों में कुछ फंस जाता है तो वो उसको चाटने लग जाता है, और चाटने लग जाता है तो चाटते चाटते ना वो उस पर बहुत ज़्यादा चाटता है, लीक करता रहता है उसको। तो उससे क्या है, उसके वहाँ के सारे बाल हट जाते हैं और उस जगह पे ना जख्म हो जाता है। मतलब बाल हट जाते तो स्किन थोड़ी नॉर्मल सी हो जाती है, उस पर सारे बाल हट जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद स्किन दिखने लग जाती है, तो वो उसको दर्द करती है और फिर वो उसको धीरे 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 चाट चाट के ना जख्म हो जाता है। तो डॉक्टर से हमने कहा कि जेरी को कैसे ठीक होगी, क्या हो गया है, तो उन्होंने कहा नहीं वैसे हो ही जाता है डॉगी के, लेकिन आप इसको थोड़ा सा कोशिश करिए कि चाटे ना। अब डॉगी है तो कई बार तो हम उसको ध्यान रखते हैं कि नहीं चाटे, लेकिन कई बार वो चाटने लग जाता है, तो इसी वजह से उसके थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है पैर में। वैसे तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन उसकी वो जो जख्म हो गया है पैर पे, जैसे मैंने अपने वीडियो में भी देखा कि तो पीछे वाला लेफ्ट पैर है उसके, उसमें काफ़ी सारा रेडिश हो गया है और उस जगह के बाल भी हट गए हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सारे बाल आ जाएंगे उसकी और वो जल्दी से इम्प्रूव हो जाएगी, चोट भी सारा जख्म भर जाएगा, उस जगह पे नए बाल भी आ जाएंगे और जेरी के फिर से वैसी थोड़ा से हेल्दी जो फर है उसका वो अच्छा सा शाइनिंग हो जाएगा।
तो मैंने कहा चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली जेरी को क्या हुआ है और वो उसकी जो चोट है वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो बस मैंने कहा चलिए थोड़ी सी बता ही देती हूँ, कभी आप लोग टेंशन लें कि जेरी को क्या हो गया है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय बाय।